Hello everyone, good morning to all. Hope you all are fit and fine at your homes. So students, today firstly we will do a pledge over COVID-19. So let's start with me. I, Dilip Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Okay students, thank you. Now we will start the unit number 18, Shapes and Designs. Let's start from the book. Open the page number 148, unit number 18, Shapes and Designs. And the first topic is tiling. A tiling is a pattern made of shapes fitting neatly next to each other without leaving gaps. स्टूडेंट्स, टाइलिंग क्या होता है? टाइलिंग एक पैटर्न होता है जिसे हम डिफरेंट शेप्स से बनाते हैं, ठीक है, उसमें और उन शेप्स के बीच में कोई भी जो है हमारे पास गैप नहीं होता, ठीक है. जैसे स्क्वायर टाइल होती है हमारे पास, ऐसी हम लोग घरों में भी यूज़ करते हैं ना, अपने होम्स में टाइल्स लगाते हैं, फ्लोर पर लगाते हैं या वॉल्स पर भी लगाते हैं, तो वो डिज़ाइन की होती है डिफरेंट शेप्स की, ठीक है स्टूडेंट्स, बट उनमें क्या है, कोई भी गैप नहीं होता. तो सेम थिंग है ये, ठीक है. ये स्क्वायर टाइप की टाइल हो गई, ये हमारे पास ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को ज्वाइन करने पे टाइल बन गई, ठीक है. ये पॉलीगन विद इक्वल साइड्स, पॉलीगन इक्वल साइड्स के उनको ज्वाइन करने पे बन गई, क्लियर. तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई थी, ये थ्री टाइप्स की हमारे पास एग्जाम्पल थी. तो ये ऐसी होती है हमारे पास टाइल्स, ठीक है. यू कैन ऑल्सो मेक अ टाइलिंग बाई मिक्सिंग दीज शेप्स इन सम स्पेशल वेज and you get different designs by coloring the tiles in different ways. तो students वो कह रहे हैं कि आप different shapes को भी join करके उनमें से एक different design तैयार कर सकते हो, different designs बना सकते हो, ठीक है, और different ways में उनको color करके उन्हें और भी different आप कर सकते हो. जैसे इसमें हमारे पास इन tiles में हमने क्या use किया, यहाँ पर triangles और squares, ये squares थे और ये triangles use किए हुए हमने, ठीक है. Next में हमने नेक्स्ट डिज़ाइन में भी हमने क्या किया, स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स ही यूज़ करके टाइल का डिज़ाइन तैयार किया, ठीक है. पहले तो हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज़ किए, उसके बाद उनके साइड पे हमने स्क्वायर्स ज्वाइन कर दिए, देन जो गैप था उनको हमने फिल कर दिया ट्रायंगल्स से, ठीक है. नेक्स्ट में देखिए आप, नेक्स्ट में आपके पास ट्रायंगल भी है, पॉलीगन भी है और स्क्वायर भी है. पॉलीगन था हमारे पास, पॉलीगन के हमारे पास जो लाइन सेगमेंट्स थी वहाँ पर हमने वन वन स्क्वायर अटैच कर दिया और जो गैप था उन्हें हमने फिर से ट्रायंगल से फिल कर दिया, ओके. तो ऐसे आप डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस तैयार कर सकते हो फॉर मेकिंग टाइल्स, ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट में भी देखिए, सेम टाइल बनाई ट्रायंगल और पॉलीगन को यूज़ करके, ठीक है. पॉलीगन लिया, देन साइड्स पे उनके फोर फोर ट्रायंगल्स ले लिया और उनको डिफरेंट कलर दे दिया, ठीक है, ताकि वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे. सेम इन द नेक्स्ट पॉलीगन्स टू थे, उन टू पॉलीगन्स को ज्वाइन करने पे जो गैप आया हमारे पास उसे उन्होंने ट्रायंगल से कवर अप कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपके पास कलर टू मेक डिज़ाइंस. यहाँ पर उन्होंने डिज़ाइंस आपको दे दिए हैं, मिक्सअप करके दिए हुए हैं स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, ठीक है, पॉलीगन्स, जो भी उन्होंने यूज़ करना था उन्होंने डिज़ाइन जो है वो तैयार कर लिया है डिफरेंट शेप्स को यूज़ करने पर. उसे अब अट्रैक्टिव करने के लिए आपने यहाँ पर कलर्स देने हैं, कलर्स के साथ उनका डिज़ाइन प्रिपेयर करना है. तो ये आप अपनी विश से यहाँ पर कोई भी कलर्स करके उनका कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स. तो घर पे ये सभी ने ट्राई करना है, ओके. एंड नेक्स्ट है हमारे पास
some shapes tile in such a way that they form a large shape of the same type. Squares, rectangles and triangles are some shapes that can be tiled in this way. तो स्टूडेंट्स वो हमें कह रही हैं कि हम एक शेप लेके उसी शेप को बार बार यूज़ करके हम एक बड़ी वाली सेम शेप का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में हमने स्क्वायर लिया, हमने फोर स्क्वायर्स यूज़ किए, तो उन फोर स्क्वायर्स को यूज़ करने पे एक बड़ा वाला डिज़ाइन जो बना वो फुल भी एक स्क्वायर ही था. ठीक है, नेक्स्ट में भी हमने स्क्वायर्स यूज़ किए, देन उनके बाद भी जो हमारी लार्ज डिज़ाइन बना है वो भी क्या है, हमारा स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट में अगेन स्क्वायर ही है, लार्ज होता जा रहा है साइज़, जितने हम ज़्यादा स्मॉल स्क्वायर्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका साइज़ लार्ज हो रहा है, लेकिन स्क्वायर शेप में ही हो रहा है. ठीक है, तो आप ऐसे डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हो. यहाँ पर रेक्टेंगल्स की भी एग्जाम्पल ली हुई है, आप रेक्टेंगल्स और भी ज्वाइन कर सकते हो तो भी वो आपका रेक्टेंगल ही रहेगा. ठीक है, और रेक्टेंगल्स यहाँ पर ज्वाइन कर दोगे तो भी वो आपका रेक्टेंगल ही बनेगा. ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल्स को भी यूज़ किया हुआ है, ट्राइंगल थ्री फोर डिफरेंट ट्राइंगल्स को यूज़ किया और हमारे पास एक ट्राइंगल बना बिगर, उससे भी लार्ज ट्राइंगल बनेगा अगर हम ज़्यादा ट्राइंगल्स यूज़ करेंगे, देन अगेन एंड सो ऑन. ठीक है, जितने ट्राइंगल्स हम यूज़ करेंगे देन उतनी ही बड़ी शेप्स हमारी सेम टाइप की बनेंगी और हम उनका डिज़ाइन कर पाएंगे अच्छे से कलर करके. ओके, सो फॉर द स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स उन्होंने बोला है, कैन यू फाइंड द रूल दैट कनेक्ट्स द नंबर ऑफ टाइल्स टू द नंबर ऑफ रोज. तो वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइल्स और नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे आपके पास कोई रूल है तो स्टूडेंट्स आप इनको रूल मीन्स टू से, जैसे आप यहाँ पे कलर करोगे ना, ये आपने कलर करना है. ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे, नंबर ऑफ रोज भी होंगे, तो आप डिफरेंट कलर्स वहाँ पे कर सकते हो. आप ये भी कर सकते हो कि मैंने एक रो में ये कलर कर लिया, सेकंड में डिफरेंट करूँगा, तो थर्ड में फिर से फर्स्ट वाला रिपीट करूँगा या थर्ड में डिफरेंट करूँगा. ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी कलर्स के आप डिज़ाइन बना सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है, आपने यहाँ पर डिज़ाइन करना है, पैटर्न दिया हुआ है उन्होंने, आपने उसे कलर करना है डिज़ाइन को. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो होप यू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइलिंग टॉपिक. ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.